वंद्यातम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध बात विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे संक्षिप्त रूप में डाइट प्लान। सुबह से शाम तक ऐसा कौन सा डाइट प्लान है जो किन लोगों को फॉलो करना चाहिए, जिन लोगों को हार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है। अब हृदय से संबंधित मुख्य रूप से तीन चार तरह की समस्या आती है। सबसे पहला तो जो मैक्सिमम अभी आप अपना जाके टेस्ट कराइए तो 99% लोगों में प्रॉब्लम मिलेगी, क्या LDL तो ज़्यादा है और HDL कम है, बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, गुड कोलेस्ट्रॉल कम है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ 99% लोगों में प्रॉब्लम मिलेगी, क्योंकि आपके घर के अंदर यूज़ होने वाला जब तेल और घी ही गंदा होगा तो रिपोर्ट तो नेगेटिव आएगी। विश्वास नहीं होता, कल आप मंगवाइए, 1000 रुपये के अंदर पूरी बॉडी का टेस्ट हो जाता है। आपको खुद पता चल जाएगा कि बॉडी के अंदर जब हमारे बच्चे की उम्र केवल 25 साल है, 30 साल है, तो बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा कैसे हो गया। तो उसका सबसे मुख्य कारण यह है कि आपके घर के अंदर इस्तेमाल होने वाले गंदे तेल और घी। आपके बच्चे अगर बाहर का खाना गंदा ज़्यादा नहीं खाते तब भी आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आपके बच्चों में 25-30 साल की उम्र के अंदर आज हृदय की हालत जो है, जो हमारा हार्ट है, वो गंभीर रूप से जो है दिन पे दिन बीमार होता जा रहा है। और इसका एग्जाम्पल आप अभी देख ही चुके हैं। पीछे रिसेंट न्यूज़ में भी देखा था कि विश्वविख्यात हमारे ही देश के इतने बढ़िया महान क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपने ज़िंदगी का आधा समय जो है वो स्पोर्ट्स के अंदर बिताया है और उनको हार्ट अटैक की समस्या आई है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है, जिसमें हम जैसे लोग जो ज़्यादा वर्जिश नहीं कर पाते, एक्सरसाइज नहीं कर पाते, तो सोचिए उनके हृदय की क्या हालत हो रही होगी। एनीवेज, तो ये चीज़ आपको चेक करनी है और चेक करने के बाद में मैंने आपको उसका मेजर कारण जो बता दिया उसके ऊपर अपने को ध्यान देना है। इसके साथ में जो है इसकी समस्या का समाधान होगा। तो चलिए समझते हैं कि डाइट प्लान सुबह से शाम तक क्या होना चाहिए। सुबह उठना है, सुबह उठते ही रसोई में जाना है, जाकर पानी को गर्म करना है। कौन से पानी को? जो रात भर तांबे के बर्तन में रखा हो ऐसे पानी को गर्म करना है और आराम से बैठ कर सिप कर जो है ये पानी अपने को आराम से पीना है। ये पानी पीने के बाद हम फ्रेश होने के लिए जाएंगे। उसके बाद में जो है, जब आप फ्रेश हो चुके होंगे तो वापस आना है। वापस आने के बाद कौन सी ऐसी आयुर्वेदिक औषधि है जो हृदय के रोगी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, उसे बोलते हैं अर्जुन की छाल। तो अर्जुन के पेड़ की छाल जो है, या तो इसको पानी में पका लीजिए और सिप कर करके पी लीजिए, अगर थोड़ा ठंडा मौसम है तो। भरी गर्मी में इसका काढ़ा नहीं पी पाएंगे क्योंकि अर्जुन की छाल की तासीर थोड़ी गर्म होती है, तो भरी गर्मी के अंदर काढ़ा नहीं पिया जाएगा। सर्दी का समय है तो सर्दी के समय में तो हम आपको हल्दी का काढ़ा पिलाते ही हैं, तो उसमें अर्जुन की छाल डाल लीजिए साथ में और पका कर पी लीजिए। और अगर गर्मी का समय है तो या तो अर्जुन की छाल जो है थोड़ा 1/4 चम्मच पानी के साथ में, गुनगुने पानी के साथ सुबह निकल लीजिए अगर पाउडर फॉर्म है, नहीं तो हार्ट केयर जूस आता है जो अर्जुन की छाल के साथ बना हुआ ऑर्गेनिक सर्टिफाइड जूस होता है, ऐसे जूस को आपने 1 ढक्कन आधा गिलास पानी में मिक्स करा और पी लिया। तो सबसे पहले सुबह पानी पिया, पानी पीने के बाद फ्रेश होकर आए, फ्रेश होकर आने के बाद में आपने 15 मिनट के अंदर फिर आपने हार्ट के जूस जो है उसका 1 ढक्कन आधा गिलास पानी में मिक्स करा और ऐसा पी लिया। पीने के बाद में एक्सरसाइज करनी है। अब आप कहेंगे एक्सरसाइज करने का समय नहीं है, तो सबसे आसान एक्सरसाइजेज कौन सी हैं जो आज नौजवान अपने घर में बड़े आसानी से कर सकते हैं? उसके अंदर सबसे पहले नंबर पर आती है सूर्य नमस्कार। भगवान सूर्य के सामने अगर आप 12 बार सूर्य नमस्कार कर लेंगे, 12 आसन 13 बार डिपेंड करता है आपके हिसाब से उसको ब्रेकअप करते हैं, तो ऐसा सूर्य नमस्कार जो है आपके सामने अगर भगवान सूर्य की रोशनी में आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा फलदायी है। तो आदत तो इसकी होनी चाहिए। अगर आपको लगता है नहीं मैं ये 10-15 मिनट भी नहीं निकाल सकता, तो कुछ नहीं करना, अपने घर की सीढ़ियों पर चले जाइए, सीढ़ियों से नीचे उतरिए ऊपर चढ़िए, नीचे उतरिए ऊपर चढ़िए, कम से कम ऐसे 10-15 राउंड तो कर सकते हैं, तो ये हृदय की गति के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। ओवरऑल वर्जिश करने का, एक्सरसाइज करने का सबसे आसान तरीका है जो मैंने आपको बताया। तो सुबह पानी पिया, पानी पीने के बाद में हार्ट केयर जूस पिया, उसके बाद में हमने एक्सरसाइज करी। एक्सरसाइज करने के बाद जब नाश्ता करने जाएंगे तो क्या करना है, कम से कम 4-5 गिरी, 3-4 गिरी अखरोट की, 3-4 गिरी मामरा बादाम की, जो अच्छा मामरा बादाम होता है, कश्मीरी मामरा बादाम, ऐसे के 3-4 गिरी रात को पानी में भिगो रखी थी, उसको अच्छे से नाश्ते से पहले चबा चबा के खाना है। तो ऐसा जो है अखरोट और बादाम, ये दोनों अगर हम चबा चबा के अच्छे से खाएंगे तो हृदय के अंदर क्या होगा, शरीर के अंदर जो गंदा कोलेस्ट्रॉल था वो हटेगा और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ना शुरू होगा, यानी LDL की रीडिंग नीचे जाने लगेगी और HDL की रीडिंग आने लगेगी। अब क्या करना है, तेल जितने भी, चाहे आप तेल कोई भी इस्तेमाल करो, बहुत बार हमसे पूछा जाता है सर हार्ट की प्रॉब्लम है तेल कौन सा इस्तेमाल करें, तेल कौन सा इस्तेमाल करें ये फर्क नहीं पड़ता, जो तेल इस्तेमाल कर रहे हो उसमें केमिकल ना मिलाया गया हो, पाम ऑयल ना मिलाया गया हो, ये मैटर करता है। तो अब आपको ग्राउंडनट ऑयल, ये सनफ्लावर ऑयल है, यूज़ कर सकते हो, आपके पास में मस्टर्ड ऑयल है यूज़ कर सकते हो, मूंगफली का तेल है यूज़ कर सकते हैं, तिल का तेल है यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल है यूज़ कर सकते हैं, कोई भी तेल यूज़ करिए, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन
नियमित मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना तेल, नियमित मात्रा में अगर हम तेल इस्तेमाल करते हैं और ऑर्गेनिक सर्टिफाइड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, और जो घी है कौन सा घी यूज़ करना चाहिए, सबसे अच्छी कैटेगरी का हाथ से बिलोया हुआ घी या अच्छी कैटेगरी का बिलोना घी जो होता है, कम से कम उसमें मशीन ऐसी होनी चाहिए जो दोनों तरफ घूमे और धीरे धीरे करके मथकर निकले, तो ऐसा घी जो है वो तकरीबन 1500 से 2000 रुपए किलो तक आ जाता है। ऐसे घी का सेवन आपको करना चाहिए, एक या दो चम्मच हर रोज का इस्तेमाल करें, इससे कम करेंगे तो भी नुकसान है और इससे ज़्यादा करेंगे तो भी नुकसान है, तो इस तरह से करके घी का सेवन अपन को करना चाहिए। तो ऐसा करके हमने जो ब्रेकफास्ट बनाया उसमें तेल और घी कौन सा इस्तेमाल करा आप जान गए। उसके बाद में नाश्ते के अंदर क्या खाना चाहिए, नाश्ते के अंदर वैसे तो मल्टीग्रेन आटा, गेहूं का सेवन कम, मिलेट्स का सेवन ज्यादा, और मिलेट के अंदर सेवन करते हुए भी अगर मिलेट के दलियों का सेवन हम शुरू कर दें, अगर लगे कि अभी जो है काफी समस्या शुरू हो गई है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ने लग गया, तो तुरंत क्या करना चाहिए, जितना हो सके घर के अंदर मिलेट का दलिया बनाना चाहिए। अब मिलेट के अंदर कौन से, 5 दलिये होते हैं, बैनयार्ड मिलेट है, फॉक्सटेल है, कोडो मिलेट है, लिटिल मिलेट है, ब्राउन टॉप मिलेट है, जिसे शी धान्या कहा जाता है, इनमें से कोई भी मिलेट चूज करिए, लेकिन कोशिश ये करिए कि मैं मिलेट का दलिया ज्यादा खाऊंगा, फिर उसके बाद में मिलेट की रोटी और गेहूं सबसे आखिरी ऑप्शन आपके लिए होनी चाहिए। तो अनाज के अंदर आप समझ गए कौन सा मिलेट आपको खाना है, और इस तरीके से जो आपकी दिनचर्या रहनी चाहिए, सुबह की एक्सरसाइज जितनी ज़्यादा अच्छी करेंगे उतनी जल्दी हृदय जो है वो आपका वापस ट्रैक पर आएगा। तो मैंने आपको सूर्य नमस्कार और सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना बताया है, जो कुछ नहीं कर सकते हो कम से कम इतना तो करें, लेकिन कोशिश यही करनी है कि आधे से पौने घंटे की अच्छी सुकून की बढ़िया एक्सरसाइज करें। अगर ये चीज़ें हम कर लेते हैं तो मुझे लगता है हृदय जो है वो आपका बहुत अच्छे तरीके से वापस भी आ सकता है और हृदय से संबंधित रोगों को हम ख़त्म भी कर सकते हैं। हृदय से संबंधित 4 प्रकार की दिक्कत होती है जो मैंने बताई शुरू में वीडियो में, एक तो LDL और HDL का बात हुई, कोलेस्ट्रॉल की बात हुई, आर्टरीज की ब्लॉकेज होने में गंदा तेलों का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। तो आर्टरीज की ब्लॉकेज रोकनी है तो सिंपल सी बात है, तेल और घी अपना अच्छा कर लो, ब्लॉकेजेस के चांसेस कम हो जाएंगे। बाहर क्योंकि अपने ही घर के अंदर जब गंदा तेल है तो बाहर वाले कौन सा अच्छा तेल इस्तेमाल कर रहे होंगे, इसीलिए मैक्सिमम लोग जब बाहर खाना खाते हैं तो उनके आर्टरीज के ब्लॉकेज होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। दूसरी बात, आपकी जो अपना जो आपका हार्ट है, ये हार्ट के अंदर अरिदमिया हो जाता है धीरे धीरे करके, इसकी रिदम जो है ऊपर नीचे हो जाती है, अर्जुन की छाल उसका निवारण करने में भी मदद करती है। तो हार्ट की मसल्स को मजबूती मिलती है अगर नियमित रूप से एक्सरसाइज करके इस तरह के डाइट प्लान को आप फॉलो करें। तो ये सारी चीजों का आपका समाधान जो है, जितना भी हृदय से संबंधित समाधान है वो आपका इस डाइट प्लान से हो सकता है जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। थोड़ा सा लॉजिक लगाकर, थोड़ी सी जागरूकता के साथ, प्रभु का नाम लेते हुए अगर आप अपनी इस तरह की दिनचर्या रखेंगे, ना केवल हृदय रोगों में बल्कि बाकी जितने भी रोग हैं शरीर में उनमें भी राहत आपको मिलने के चांस है। आप कहेंगे ये दो हमने क्यों रखे हैं, देखिए अगर आपको कब्ज की और कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं है तो समझ लीजिएगा मोरिंगा, और ये आज मैंने साथ में क्या रखा है, बार्ले ग्रास, ये ग्रीन ग्रासेस बहुत ताकतवर होती हैं। तो क्या करना है, मोरिंगा और वीट ग्रास के साथ में हमने मोरिंगा प्राश बनाने की एक विधि बताई है, आपको नीचे मैं लिंक दे दूंगा। तो मोरिंगा और वीट ग्रास है, 1/4 चम्मच भी अगर हर रोज इसका इस्तेमाल कर रहे हैं आप तो आपके हृदय के लिए भी बहुत अच्छा और शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ऐसी अच्छी चीज़ को अपनी डाइट प्लान में शामिल करना चाहिए। लेने का तरीका क्या है, सुबह खाली पेट भी 1/4 चम्मच पानी के साथ में फांक करके ले सकते हैं, नहीं तो हमने इसका मोरिंगा प्राश बनाने का तरीका बताया हुआ है, वो वीडियो को नीचे क्लिक करेंगे, वैसा मोरिंगा प्राश का अगर आप बना लेंगे और ऐसे का सेवन करेंगे तो आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक ये सिद्ध होगा। अगर आप ये कहते हैं कि भैया हमारे शरीर में गर्मी बहुत है, सुबह सवेरे हम जो है गर्मी हो गई मई जून की और उसमें अगर अर्जुन की छाल का जूस पीते हैं तो थोड़ी गर्मी लगती है, तो क्या करें, उन 2-3 महीनों के लिए छोड़ दीजिए। तो छोड़ देंगे फिर दूसरी औषधि अर्जुन की छाल के बाद हृदय के लिए कौन सी अच्छी हुई, आंवला का जूस और गिलोय का जूस, आंवला और गिलोय को दोनों मिक्स करा और पी लिया। आप कहते हैं आंवला गिलोय जूस पीने से भी गर्मी लग रही है थोड़ी, तो क्या करें, गिलोय को कम कर दो, आंवले को थोड़ा बढ़ा दो, यूज़ दोनों करने हैं। लेकिन अगर तो आपको ठंड ज़्यादा लग रही है तो गिलोय को बढ़ा दो, आंवले को कम कर दो, और अगर आपको लगता है शरीर में गर्मी ज़्यादा हो रही है तो आंवले को बढ़ा दो और गिलोय को थोड़ा कम कर दो। इस तरह आंवला और गिलोय जूस, जब कोई भी जूस समझ में ना आए तो हमेशा ध्यान रखना है दुनिया की सबसे बड़ी संजीवनी है ये दो जड़ी बूटी आपके घर में इस्तेमाल हो। तो हार्ट केयर जूस को पहले चांस देना है, अगर किसी वजह से लग रहा है हार्ट केयर जूस नहीं सूट कर रहा है या नहीं यूज कर पा रहे तो आंवला और गिलोय जूस पे आ जाएंगे, ये बेहद साफ और बिल्कुल सेफ कैटेगरी के अंदर जूसेस आपके पास आ जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको कैसे हृदय से संबंधित रोगों को बचाने में और कैसे उसको ट्रीट करने में क्या आप भूमिका अपनी निभा सकते हैं, क्या आप उसमें डाइट प्लान अडॉप्ट कर सकते हैं, उसके बारे में जो जानकारी हमारे पास थी वो हमने आपसे साझा की। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।